दोस्तों YouTube पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं ये तो बहुत सारे लोग आप लोगों को बता देंगे, लेकिन आप लोगों को सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं ये कोई नहीं बताएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी जनों को मैं यही बताने वाला हूं कि आप सभी जने अपने YouTube चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा सकते हैं और आप लोगों के चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं वो सारी प्रोसेस मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं YouTube के ऊपर दो टाइप की ऑडियंस होती है। एक ऑडियंस होती है जिसके पास हम अपनी वीडियो को भेजते हैं, चाहे वो अपना फ्रेंड हो या फिर अपने फ्रेंड का फ्रेंड हो या फिर कोई भी हो, हम उसके पास में वीडियो जाते हैं, उससे चैनल सब्सक्राइब करवाते हैं और उसको वीडियो यहाँ पर दिखाते हैं। और जो दूसरी ऑडियंस होती है वो ये होती है कि हमने अपनी वीडियो को बना ली, चुपचाप से YouTube पर अपलोड कर दी और अब जो है YouTube खुद लोगों के पास में ले जा रहा है और जिस बंदे को उस वीडियो की नीड भी है, जिसको उस वीडियो की ज़रूरत भी है, वो बंदा खुद उस वीडियो को सर्च करके देख भी रहा है और YouTube खुद उन बंदों तक पहुँच रहा है जिनको उस वीडियो की ज़रूरत भी है। तो दोनों ऑडियंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं इसके लिए काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, हमारे को नंबर वन स्टेप बताते हैं कि हमारे को लोगों तक वीडियो को पहुंचानी कैसे है। तो ये रास्ता हमारे लिए बिल्कुल गलत साबित हो जाता है और इससे हमारा YouTube चैनल फ्रीज भी हो जाता है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करके भी बताने वाला हूँ। अब जो दूसरा आइडिया है उसके अंदर हमने अपनी चुपचाप वीडियो को बना करके एडिट करके YouTube पर अपलोड कर दिया है, अब खुद ऑडियंस जो है वो YouTube के ऊपर आ रही है, खुद हमारी वीडियो को खोज करके देख रही है, तो ऐसे में जो हमारी वीडियो का इंप्रेशन भी और ज़्यादा बढ़ता है और हमारी वीडियो के ऊपर व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं और सब्सक्राइबर भी ज़्यादा मिलते हैं। तो नंबर वन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जो फर्स्ट ऑडियंस है, मैंने अपनी वीडियो को बना लिया, उसको एडिट कर दिया, अब मैंने उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया, फेसबुक पर दे दिया, अपने दोस्तों का मोबाइल मैंने ले लिया और उनसे सब्सक्राइब करवा करके वीडियो पर लाइक करवा करके व्यूज़ में बढ़ा रहा हूँ। अब वो मेरा फ्रेंड उस कैटेगरी के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं रखता है, जैसे कि मैं BGMI से रिलेटेड कोई वीडियो बना रहा हूँ, कोई मेरा फ्रेंड है जो बिल्कुल गेम नहीं खेलता है और मैं उसके वीडियो उसके मोबाइल फ़ोन के अंदर वीडियो ऑन कर रहा हूँ, उसको देखने के लिए अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता है। तो वो मेरे पास में बैठा हुआ है, मैंने उसके मोबाइल से सब्सक्राइब कर दिया चैनल, वीडियो लाइक कर दी, वीडियो मैंने देख भी लिया, लेकिन अब जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूं तब वो मेरे पास में नहीं है और YouTube ने ट्राई करा है कि मेरे 100 सब्सक्राइबर है 100 लोगों के पास में अपनी वीडियो को भेजे जाए और उनसे ट्राई करवा जाए कि वो पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। तो जो मेरे 100 सब्सक्राइबर है 100 ही मेरे फ्रेंड है, मिलने वाले हैं और अभी मेरे से यहाँ पर दूर है, मेरे आसपास में नहीं है। तो जैसे ही मैंने अपनी वीडियो को अपलोड करा, वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा तो वो जल्दी से उसको इग्नोर कर देंगे और YouTube का जो एल्गोरिथम है उसको समझ में ये आएगा कि हमने इसके 100 सब्सक्राइबर है 100 ही सब्सक्राइबर पास में इसकी वीडियो का नोटिफिकेशन भेजा है और किसी ने भी उस वीडियो को अच्छे तरीके से नहीं देखा है, यानी कि इसकी वीडियो के अंदर गलती है, इसकी वीडियो अच्छी नहीं है, इसलिए ऑडियंस ने यहाँ पर नहीं देखा है। YouTube यह नहीं सोचेगा, YouTube तो यही सोचेगा कि जो भी बंदे हैं वो उसकी खुद की ऑडियंस है तो वही पसंद नहीं कर रही है, तो YouTube हमारी वीडियो को और आगे लोगों तक नहीं भेजेगा और हमारी वीडियो वहीं पर फ्रीज कर देगा। अब स्टेप नंबर टू, जिसके अंदर मैंने आप सभी जनों को बताया था कि हम अपनी वीडियो जो है लोगों के पास में शेयर नहीं करेंगे और ना ही अपने फ्रेंड को उस वीडियो को दिखाएंगे। हालांकि जो फ्रेंड हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट रखता हो उसको हम जरूर सब्सक्राइब करवा सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं ताकि उसके पास में अगली बार हम नहीं हो और वीडियो का नोटिफिकेशन जाए, उस वीडियो की उसको ज़रूरत भी हो तो वो जल्दी से फटाक से उसको देख भी लेवे। तो अब हम क्या करने वाले सेकंड स्टेप के अंदर, जैसे ही हमने वीडियो को बना ली, अपलोड कर दी और हम किसी के पास में शेयर नहीं कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में YouTube क्या करता है, वो खुद लोगों तक वीडियो को भेजता है और जो भी ऑडियंस है वो खुद उसके ऊपर क्लिक करेगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों को उस वीडियो की ज़रूरत है। जैसे कि BGMI के अंदर अपडेट कैसे करें, तो काफ़ी सारे लोग सर्च करते हैं, तो उसी सर्च के अकॉर्डिंग पर यूट्यूब हमारी वीडियो लोगों तक पहुंचाता है और वो जो 100 लोग हैं 100 लोगों के पास हमारी वीडियो का इंप्रेशन गया और 100 लोगों ने वीडियो को देख लिया, एकदम अच्छे से फुल वॉच कर ली, लाइक भी कर दिया, सब्सक्राइब भी कर दिया और हमारे को व्यूज़ भी अच्छे मिल गए, तो उस कैटेगरी के अंदर यूट्यूब को लगेगा कि जो हमने वीडियो बनाई है वो काफ़ी अच्छी है, लोगों को पसंद भी आ रही है, तो YouTube उसका इंप्रेशन बढ़ा करके और लोगों तक भेज देगा, 200 लोगों तक और भेज देगा और वो जो 200 लोग जो इसी तरह की वीडियो देखते हैं YouTube उन्हीं के पास में भेजेगा। इसलिए YouTube ने अपना एक सेक्शन भी बना रखा है कैटेगरी का, जब भी हम अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो भाई साहब हमसे कैटेगरी पूछी जाती है कि वीडियो कैटेगरी कौन सी है, गेमिंग की है, एजुकेशन की है या व्लॉगिंग की है। तो भाई साहब इस तरीके से आप लोगों का जो चैनल है वो फ्रीज हो जाता है क्योंकि आप लोग कुछ गलत टिप्सों को फॉलो कर लेते हो उस वजह से। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को छोटी सी टिप्स दी है जिसके अंदर मैंने आप सभी जनों को बताया है कि भाई साहब आप लोग अपने चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा सकते हो और आप लोगों के चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में आपका माइंड का ढक्कन खुल गया होगा और आप लोगों को यूट्यूब के एल्गोरिथम के बारे में पता चल गया होगा। तो ऐसी कोई गलती आप लोग कर रहे हैं तो उसको स्टॉप कर देना। बाकी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।